हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम आपके लिए लेके आए हैं मिंत्रा बैग हॉल। यस, मैं आज की वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाली हूँ मेरे पर्सनल फेवरेट हैंडबैग जो मैंने रिसेंटली मिंत्रा सेल में परचेज किए थे। तो आज हम आपके साथ वही शेयर करने जा रहे हैं। इसमें कुछ ऐसे बैग्स हैं जो कि आप हैंडबैग्स हैं, कुछ शोल्डर बैग्स हैं, कुछ बैकपैक्स हैं, स्मॉल बैकपैक्स हैं जिनको आप ट्रैवल पर्पज से कैरी कर सकते हो, अपनी डे टू डे लाइफ के लिए भी कैरी कर सकते हो। चलिए वीडियो को ज़्यादा नहीं लंबा खींचते और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला बैग है हमारे पास लिनो पैरो का, ये वाइट स्मॉल मून शेप्ड बैग है। आप देख सकते हैं काफ़ी छोटा सा, स्मॉल सा, क्यूट सा है। स्नेक प्रिंट है, वाइट सिल्वर मून शेप्ड है, जो कि दूर से प्यारा सा लगता है। आप किसी भी वेस्टर्न ड्रेस के साथ इसको कैरी कर सकते हो। स्मॉल सा है, इसके साथ एक जिपर है इधर, देख सकते हैं। और काफ़ी स्पेशियस है, आपके पार्टी पर्पज से आप इसमें काफ़ी मोबाइल वॉलेट कैरी कर सकते हो। प्राइस है 3400 कुछ का और मुझे ये पड़ा था 1270 रुपीज़ में। एग्जैक्ट प्राइस मैं नीचे मेंशन कर दूंगी और मिंत्रा के जितने भी ये बैग होल्स के लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं। तो ये है एलपी का मून शेप्ड वाइट हैंड बैग। चलते हैं नेक्स्ट पे। सेकंड बैग है ये मस्त एंड हैबर का स्ट्रक्चर बैग। आप देख सकते हैं इसका कलर है टैन कलर का, ये बैग है। इसके साथ एक डस्ट बैग है जिसके अंदर ये कवर होकर आया है। आप देख सकते हैं इसके हैंडल पे भी अच्छे से पैकिंग की है ताकि इस पर कोई स्क्रैचेस ना पड़े। और देख सकते हैं काफ़ी बड़ा बैग है, काफ़ी स्पेशियस है। इसके साथ ऐसे हैंडल आप इसको हैंड में भी ऐसे कैरी कर सकते हैं। इसमें एक पार्टीशन है जिपर का, देख सकते हैं। अंदर से भी जो कपड़ा है वो काफ़ी अच्छा है, सॉफ्ट है। इसमें पेपर्स डाले हुए हैं ताकि इसकी शेप ना ख़राब हो। साथ में अटैच एक ये बेल्ट है जिससे आप इसको शोल्डर बैग भी बना सकते हैं। अंदर आपको एक और स्मॉल पॉकेट दी हुई है, इधर एक स्मॉल पॉकेट है जिसमें आप और छोटी चीज़ें डाल सकते हो। और एक इधर छोटा सा पार्टीशन है जहाँ पे अपने कार्ड या कुछ डाल सकते हो। और आप देख सकते हैं इसका टेक्सचर काफ़ी सॉफ्ट है। पेपर बैग निकालने के बाद ये काफ़ी लाइट हो गया है, तो ये भी आप अपनी किसी भी ड्रेस के साथ या ट्रैवल में आप इसे कैरी कर सकते हो। इसमें आपका आईपैड या आपका कुछ भी वाटर बॉटल, लंच बॉक्स ईजिली आ जाएगा। आप इसको ईजिली ऑफिस में भी कैरी कर सकते हो। ये पड़ा था मुझे 720 रुपीज़ का। तो मैं आपको बता देती हूँ ये सब बैग जितने भी है मैंने वन टाइम परचेज नहीं किए, 2-3 मंथ से मैं इनको परचेज कर रही थी जब भी इन पर ऑफ़र आ रही थी या ये सेल में थे। तो ये मुझे पड़ा है 720 का और इस पे वैसे प्राइस है 3299 का। थर्ड बैग है ये हमारे पास यूसीबी का, यूनाइटेड कलर ऑफ बैनेटन का। आप देख सकते हैं इसका फैब्रिक काफ़ी सॉफ्ट है, फैब्रिक इसका काफ़ी सॉफ्ट है, स्मूथ है। आप इसको कैसे भी कैरी कर सकते हो ट्रैवल के लिए और डे टू डे के लिए। और यहाँ इसका लोगो है। इसका प्राइस मुझे पड़ा था, इस पे प्राइस है इसका 2799 और मुझे ये हुआ था 1153 का। इसमें भी सेम वन जिपर है, आप देख सकते हैं। इसके साथ एक डस्ट बैग है, शोल्डर आपकी बेल्ट है, इसको आप स्लिंग बैग भी बना सकते हो। अंदर सेम दो पार्टीशन है, आप मोबाइल रख सकते हो, अपना कार्ड्स रख सकते हो। इधर एक स्मॉल और जिपर है जहाँ पे आप अपनी और चीज़ें रख सकते हो। और बाकी ये एक सिंगल कंपार्टमेंट बैग है, आप देख सकते हैं। और ये मुझे इसके टेक्सचर की वजह से बहुत पसंद आया था, मुझे इस टाइप्स के बैग्स कैरी करना पसंद है। आप देख सकते हैं बैग कितना सुंदर लग रहा है। तो इस टाइप के बैग्स को टॉट बैग्स बोल सकते हैं जिनको आप अपनी जीन्स के साथ या अपनी ड्रेस के साथ ईजिली कैरी कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास एक और ब्लैक बैग है जो कि स्लिंग बैग है, साइड के लिए छोटा सा ड्रेस बैरी का। ये है इसके साथ डस्ट बैग इसका, आप देख सकते हैं। ये एक शोल्डर स्लिंग बैग है, इसके साथ इस टाइप की चेन है जिसको आप हाथ से कैरी कर सकते हो। इधर से इसका ट्रांसपेरेंट टेक्सचर है जो कि मुझे सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट किया था। छोटा सा स्मॉल सा बैग है, इसका प्राइस एमआरपी है 2599 जबकि ये मुझे पड़ा था 722 का।
इसके अंदर भी आपको पेपर्स डालने हैं ताकि इसकी शेप ना ख़राब होए। मैं आपको एडवाइस करूँगी टिप नंबर वन कि अपने बैग में हमेशा इस टाइप के जो आपके बैग के साथ ये पेपर्स आते हैं इनको कैरी करके रखें। आफ्टर यूज़ आप इनको डाल के रख सकते हैं, इससे आपकी शेप नहीं ख़राब होगी, इनके ऊपर रिंकल्स नहीं आएंगे। अगर आप बैग्स को एक साथ रखते हैं तो आपस में मिक्स होकर इन पर रिंकल्स पड़ जाते हैं जिससे इनके इन पर क्रैक्स आ जाते हैं और इनकी शेप ख़राब हो जाती है। और ये है इसके साथ इसकी स्लिंग बेल्ट, अंदर से ये एक इस तरह से है, बस ओपन बैग है, लेकिन जो भी आप यहाँ पे डालेंगे वो आपका ट्रांसपेरेंटली आपको दिख जाएगा यहाँ से, और ये दोनों साइड से ट्रांसपेरेंट है। तो मुझे ये बैग छोटू सा इसलिए बहुत पसंद आया था। इसको भी आप अपनी जीन्स के साथ कैरी कर सकते हो, ड्रेस के साथ कैरी कर सकते हो, एज अ फैशन स्टेटमेंट आप फोटोज़ के लिए यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट बैग है हमारा ये ग्रीन कलर का, जो कि ग्रीन कलर काफ़ी ट्रेंडी लगता है, काफ़ी अच्छा लगता है। ये स्मॉल बैकपैक है, स्लिंग बैग भी आप इसको बना सकते हो। ये है ड्रेस बेरी का, अगर आप देख सकते हैं इसका ये है कलर जो कि है बहुत प्यारा सा। इसको आप कैसे भी यूटिलाइज कर सकते हो, इसको आप एज अ हैंड बैग बना सकते हो, हैंड में कैरी कर सकते हो। इसके साथ क्रॉस में ये स्लिंग्स है, इसको बैकपैक बना सकते हो। इसी स्लिंग्स को आप अंदर यहाँ पर अटैच करोगे तो आपका स्लिंग बैग बन जाएगा, ये शोल्डर बैग बन जाएगा। यहाँ इसका है लोगो, ये है इसका मैग्नेट बटन, और यहाँ आप अपने कार्ड्स या कुछ भी रख सकते हो। स्मॉल पॉकेट कंपार्टमेंट यहाँ है, एक जिपर कंपार्टमेंट इधर है, सेम पेपर बैग्स। इसमें भी सेम आपका वन ही कंपार्टमेंट है, इधर स्मॉल चेन है और इधर एक और छोटा सा कंपार्टमेंट, डिवाइडेड कंपार्टमेंट है। तो आप देख सकते हैं इसका भी टेक्सचर काफ़ी है, ये स्पेशियस है, काफ़ी ब्रॉड बैग है कि आप इसमें काफ़ी कुछ ठूस सकते हो, अपना डाल सकते हो, तो इसको आप भर सकते हो फुल ऑन। ये क्यूट सा बैग है जो कि मुझे बहुत, मेरा पर्सनल फेवरेट है, और ये कलर मेरा फेवरेट भी है, और पर्सनली मुझे बैग बहुत पसंद आया। इसके अलावा मेरे पास टू बैग्स और हैं स्मॉल से, वो भी मैं अभी आपके साथ शेयर करती हूँ। इसी के साथ टिप नंबर टू, हर बैग के साथ आपको ऐसे डस्ट बैग ज़रूर मिलेंगे, तो अपने बैग को मोस्टली प्रेफर कीजिएगा इन डस्ट बैग में लपेट के रखिएगा। अगर आपके पास ऐसे नहीं है बैग्स तो आपको किसी भी स्टोर से, आप जब शूज़ खरीदने जाते हैं तो वहाँ भी डस्ट बैग्स मिलते हैं, तो आप एक्स्ट्रा डस्ट बैग ले सकते हो, तो आपके जितने भी बैग्स बचते हैं उनको भी आप उनसे कवर कर सकते हो। नेक्स्ट हमारे पास ये छोटा सा प्यारा सा वॉलेट, तो ये वॉलेट है एल्टी का, लिनो पैरो का, सेम स्मॉल सा, प्राइस सबके आपको नीचे मिल जाएंगे, इवन लिंक्स भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। तो ये है इसका, देख सकते हैं इधर आप अपने कार्ड्स डाल सकते हैं, इधर आप और कार्ड या मनी डाल सकते हो, इधर अपना कैश डाल सकते हो, इधर एक जिपर है जिसमें आप अपने कॉइन्स डाल सकते हो, कुछ और कोई और अपनी प्रीशियस आइटम डाल सकते हो। जैसे मैं अपने वॉलेट में मोस्टली रिंग या इयररिंग्स निकाल के डाल देती हूँ, इधर भी आपके कार्ड्स डाल सकते हैं। तो काफ़ी स्पेशियस बैग पर्स है ये, भी मुझे 600 अराउंड पड़ा था। और मैं प्रेफर करती हूँ टिप नंबर थ्री कि अपना वॉलेट कोशिश कीजिएगा रेड कलर का ही कैरी कीजिए, इट्स गुड फॉर कलर थेरेपी, लाइक रेड कलर इज़ फॉर गुड फॉर वॉलेट। इससे आपके पर्स में हमेशा मनी बना रहेगा, आपके पास पैसा बना रहेगा। अगर आप अपने पास पैसा बढ़ाना चाहते हो या फाइनेंशियली अपने आप को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हो, रेड वॉलेट में हमेशा कैरी करना। सरप्राइज एक और छोटा सा स्मॉल सा कैरी बैग है, छोटा सा ये बड़ा क्यूट सा फंकी सा बैग है, और ये मैंने यहाँ से नहीं खरीदा था, ये मैंने थाईलैंड से खरीदा था। ये है टडांग, ये है कैन शेप्ड कोको कोला कैन शेप्ड बैग। ये जब मैंने फर्स्ट टाइम देखा था, इसके साथ ये स्लिंग है, इसको ऐसे कैरी कर सकते हो। इसमें आपका अगर आपका छोटा सा मोबाइल आ सकता है, अदरवाइज़ तो इसमें कुछ नहीं आएगा। इसमें आप कॉइन्स डाल सकते हो या इसमें अपनी आप मेडिसिन डाल सकते हो, कुछ भी आप डाल सकते हो। इसके साथ एक जिपर है, इधर एक ये सेगमेंट है खाली जिपर का, और ये मैंने वैसे मिनीसो से लिया था, थाईलैंड के मिनीसो से। यहाँ के मिनीसो में आपको ऐसे वाले बैग्स नहीं मिलेंगे। और ये मुझे प्राइस मेंशन है, ये मुझे कुछ 200 थाई बात का ही शायद पड़ा था, इससे ज़्यादा का नहीं था, अदरवाइज इससे ज़्यादा का होता तो मैं नहीं लेती। तो ये एक छोटा सा क्यूट सा स्लिंग है, ये आपको अपने किसी भी बैग के साथ भी कैरी कर सकते हो, एक्स्ट्रा लगा के साइड में।
और ये तो काफ़ी फंकी सा था। ये था सबसे ज़्यादा हाईलाइटेड बैग जो कि मैं आपके साथ शेयर करना चाहती थी। अभी मैं आपके साथ एक और बैग शेयर करना चाहती हूँ, वो है टडांग, ये है वुडन का बैग। इसका अंदर से आप टेक्सचर देख सकते हो, कितना सुंदर प्रिंट है और ये गोल सर्कल शेप में राउंड शेप बैग है, स्लिंग बैग है। आप इसको अपनी किसी भी बीची ड्रेस पे या आप रिजॉर्ट जाते हैं या अपनी ड्रेस के साथ कैरी कर सकते हो। तो ये बैग बड़ा क्यूट सा लगता है, बोहो स्टाइल बैग। ये भी मैंने थाईलैंड से ही परचेज़ किया था, लेकिन ये आपको इजीली मिंत्रा पे भी मिल जाएगा। मैं आपको इसका ऐसा कुछ लिंक भेज दूँगी जहाँ पे आप ऐसा ही कुछ बैग चेकआउट कर सकते हो। तो ये थी मेरी बैग कलेक्शन, आई होप आपको ये पसंद आई होगी। अगर आपको कोई भी बैग पसंद आया तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको कौन सा बैग पसंद आया। आप मुझे बताइएगा आपको मेरी बैग कलेक्शन अगर पसंद आई है या आप इनमें से कोई परचेज़ करना चाहते हैं तो आप मुझे ज़रूर कमेंट में बताइएगा। और अगर आपका कोई अपना पर्सनल बैग है जो आपको बहुत फेवरेट है, आप उसको मुझे इंस्टाग्राम पे स्टोरी में टैग कर सकते हैं। तो मेरा इंस्टाग्राम हैंडल यम दिव्यम है और मेरे यूट्यूब चैनल को भी ज़रूर फॉलो कीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, बाय।